সুপ্রিম কোর্টে নিট ইউজি 2024 এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস সহ একগুচ্ছ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে সোমবার। মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী নরেন্দ্র হুডা জানান, তাদের পক্ষ থেকে শীর্ষ আদালতে এই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয় উত্থাপন করা হয়, কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। শুনানিতে আদালত এনটিএ কে তাদের ওয়েবসাইটে সমস্ত পরীক্ষার্থীর ফল ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী। सुप्रीम कोर्ट में हमने वो सारी बातें उठाई जो ये दर्शाती हैं कि इस केस में पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ हजारीबाग और पटना में नहीं हुआ है, ये और भी कहीं जगह हुआ है। हमने ये भी दिखाया कि कैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का पेपर ई रिक्शा में घुमा रहे थे वो हजारीबाग में। तो इस सारी बात को देखते हुए कोर्ट ने अब सुनवाई मंडे को रखी है, और इस दौरान बिहार पुलिस को और भारत सरकार को डायरेक्शन दी है कि वो बिहार पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड पे लेके आए, और जितना पेपर का जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था रिजल्ट, वो सारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उनकी वेबसाइट पर।